महादेव वर्मा कहती है कि यहाँ पर जो चाइना के जो लोग होते हैं उनको देखने से ऐसे लगता है कि उनका जो मुख है, सभी का एक ही प्रकार होता है बहुत सारा बताने के बाद महादेवी वर्मा दो मेस पोश खरीद लेती चीनी जो है बहुत ही खुशी से अपने जेब से फैंकी निकाल कर कहता है कि सबको कुछ बिक गया इसके जन्म के बाद सात वर्ष की इसकी बहन के सहारे इसे छोड़कर इसकी मां जो है चल बसी प्रणाम मैं यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे फर्स्ट सेमिस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है जो इस सेमिस्टर आपके लिए जो निबंध साहित्य है हिंदी निबंध साहित्य इसी के अंतर्गत जो आपके लिए पाठ है चीनी फेरी वाला पाठ के बारे में आज हम जानेंगे पहले इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 सौ ईस्वी में क्या है फुरुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर बिहार में प्रधान अध्यापक थे इनके पिता जो हैं एक प्रधान अध्यापक थे और इनकी माता को भी क्या है इनकी माता को भी जो शिक्षा से बहुत ज़्यादा ही प्रेम था इनकी जो माता है जिनका नाम श्रीमती हेमा रानी है इनको शिक्षा से बहुत ही प्रेम था और 1912 ईस्वी में उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी 1912 में महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इंदौर से शुरू हुई थी जब ये नौ उम्र की थी यानी इनकी उम्र सिर्फ नौ वर्ष की थी उस वक्त ये छठी कक्षा में पढ़ रही थी तभी जो है महादेवी वर्मा जी की शादी हो गई थी इसके बाद इनकी शिक्षा जो है वो बंद हो गई फिर जो है सन उन्नीस ईस्वी में फिर जो है ये क्रस्तवेट कॉलेज प्रयाग से उनकी शिक्षा जो है फिर आरंभ हुई फिर 1921 सौ ईस्वी में मिडिल परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्रथम श्रेणी इन्होंने प्राप्त की इसके बाद इसी वर्ष उनकी भेंट जो है महात्मा गांधी से हुई थी क्या है 1921 में ये क्या है क्या है मिडिल परीक्षा में मिडिल परीक्षा में जो पूरे प्रांत में ये प्रथम आई इसके बाद इनकी भेंट जो है महात्मा गांधी से हुई फिर 1925 सौ ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने पास की 1925 में महादेवी वर्मा ने एंट्रेंस परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण किया फिर जो है राजकीय छात्रवृत्ति प्राप्त हुई राजकीय छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और फिर इसके बाद उन्नीस में 1927 में इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की फिर इसी वर्ष इन्होंने लेखन कार्य क्या है प्रारंभ किया था लिखना इन्होंने शुरू किया था फिर सन उन्नीस ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की बीए की परीक्षा इसके बाद इन्होंने उत्तीर्ण की फिर जीवन की सच्ची वास्तविकता ने मन में इस तरह निराश भाव पैदा किया कि महादेवी वर्मा ने बौद्ध भिक्षुणी बनने का निर्णय कर लिया फिर क्या है ऐसा इनको जीवन से निराश उत्पन्न हुआ कि ये एक बहुत भिक्षुणी बनने का एक निर्णय इन्होंने किया लेकिन जबकि महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी के समझाने और समाज सेवा की प्रेरणा प्राप्त कर बहुत भिक्षुणी बनने का जो निर्णय इन्होंने लिया था उस निर्णय को इन्होंने त्याग दिया यानी उस निर्णय का विचार इन्होंने क्या किया त्याग दिया थर्टी थ्री में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग से संस्कृत विषय में यम्मे किया संस्कृत में इन्होंने एमए किया प्रयाग विश्वविद्यालय से फिर जो है उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा स्थागित कर हिंदी के माध्यम से नारी शिक्षा प्रसार हेतु प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना कर स्वयं प्रधानाचार्य का पद संभाला फिर जो है हायर स्टडीज के लिए उच्च शिक्षा के लिए ये विदेश यात्रा जो जो है है इन्होंने किया, फिर इसके बाद नारी शिक्षा प्रसार हेतु प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना कर इन्होंने इन्होने महिला के लिए महिलाओं के लिए जो विद्या है उसको देने के लिए इन्होंने क्या है प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की।, की, की प्रधान आचार्य बनकर काम किया फिर इसी वर्ष चांद मासिक पत्रिका का अवैतानिक संपादन प्रारंभ किया फिर ये क्या है चांद जो मासिक पत्रिका है महीने में एक बार निकलने वाला जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर के लिए ये क्या है संपादन प्रारंभ किया वो भी आवेतानिक आवेतानिक संपादन प्रारंभ किया फिर सन 1933 में यानी 1933 ईस्वी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी भेंट हुई मीरा को महादेवी वर्मा कई अर्तों में अपना आदर्श मानती थी उन्होंने मीरा जयंती का बहुत ही भव्य आयोजन किया फिर कहें रामगढ़ नैनीताल में मीरा मंदिर का निर्माण कराया फिर इनकी भेंट जब रविंद्रनाथ टैगोर से हुई इसके बाद कई अर्तों में मीरा बाई को ये अपना आदर्श मानती थी तो मीराबाई की जो जयंती थी वो बहुत अच्छी तरह से उसका आयोजन इन्होंने किया फिर इसके बाद रामगढ़ नैनीताल में क्या है मीरा मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया मीरा मंदिर का इन्होंने क्या है निर्माण कराया महादेवी वर्मा का अपने समकालीनों में बहुत ही गरिमामय स्थान है महादेवी वर्मा इनके काल में जो दूसरे लेखक थे इनमें इनका भी एक गौरव प्रदान स्थान है बहुत ही यह भी क्या है प्रसिद्ध गौरव इनको भी बहुत ज्यादा सम्मान मिला है इन्होंने साहित्य के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व के द्वारा इस गरिमा को अर्जित किया है साहित्य के अलावा भी इनका जो जो इनको गौरव मिलता है वो गौरव इनके व्यक्तित्व से इनको प्रधान इनके व्यक्तित्व के द्वारा इनको ये क्या है गौरव जो है अर्जित इन्होंने किया है ईस्वी सन 1944, सन 1944, 1944 में इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद, इन्हें की स्थापना की प्रयाग में इन्होंने 1944 में क्या है प्रयाग में जो है साहित्यकार संसद इन्होंने क्या है स्थापित की जिसका ऐतिहासिक महत्व था जिसका एक ऐतिहासिक महत्व था इन्होंने जिसकी स्थापना की थी फिर 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसद मनोनीत हुई सन 1954 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित साहित्य अकादमी की संस्थापक के सदस्य मनोनीत 1956 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला फिर जो है ये क्या है परिषद की यानी ये जो है विधान परिषद की एक सदस्य बनी फिर 1954 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित साहित्य अकादमी की संस्थापक के सदस्य क्या है ये बनी फिर 1956 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान मिला इनको पद्म भूषण का सम्मान मिला फिर जो है बाद में 1968 ईस्वी में 1986 1968 ईस्वी में भारत सरकार की हिंदी नीति के विरोध में इन्होंने क्या है पद्म भूषण सम्मान वापस कर दिया 1968 में भारत सरकार की हिंदी नीति के विरोध जो हुआ था इसके कारण इन्होंने पद्म भूषण जो इनको सम्मान भारत सरकार से मिला था इसको इन्होंने वापस कर दिया सन 1964 यानी 1964 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने महादेवी वर्मा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है प्रदान की। फिर 1977 में विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा उन्हें डिलीट की मानद उपाधि प्राप्त की इनको क्या है मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की थी जो कि नैनीताल द्वारा इनको डिलीट की उपाधि जो है मिली थी फिर इसके बाद सन उन्नीस में 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1983 एटी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसे देकर इनको सम्मानित किया गया 11 दिसंबर 1987 यानी 1987 को महादेवी वर्मा का निधन हुआ इनकी मृत्यु इस ईस्वी में हुई थी महादेवी वर्मा की प्रकाशित काव्य एवं गद्य रचनाएं निम्नलिखित हैं निहार रशिमी निरजा संध्यगीत दीप शिखा हिमालय सप्तपर्ण ये एक अनुदित है फिर प्रथम आयाम रेखा और यमा फिर जो है इसके बाद इनके जो है अतीत के चलन चित्र शुक्ला की कड़िया स्मृति की पत के साथी, शणाधा फिर साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संकल्पिता मेरा परिवार और चिंतन के क्षण ये सब इनकी जो है रचनाएं चीनी फेरी वाला जो आपके लिए प्रस्तुत पाठ है वो एक चीनी के बारे में जो एक कपड़े का व्यापारी था उसकी एक मार्मिक हृदयस्पर्शी एक करुणा कथा थी जिसको चीनी ने महादेवी वर्मा जी को बताया था उसी एक चीनी की स्मृति में ये जो कहानी है महादेवी वर्मा ने रची थी ये अतीत के चलन चित्र नामक क्या है इनकी रचना से ली गई है पहले तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है चीनी किस प्रकार के होते हैं उनका जो है उनका जो मुख है उनकी जो नाक है किस तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं होती हर एक चीनी को देखने से ऐसे लगता है कि वो सब क्या है समान है इसके बारे में यहाँ पर बताती है तो देखिए मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है मुझे चीनियों को यानी जो चाइना के लोग हैं इनको देखकर इनमें भिन्नता ये अलग है ये व्यक्ति अलग है ऐसा मुझे बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि सभी का जो मुख होता है मुख का जो उनका फेस होता है उनकी नाक हो उनकी आंखें हो सभी क्या है एक समान ही नजर आती है इनमें भिन्नता करना मेरे लिए थोड़ा सा क्या है मुश्किल ही है इस तरह से यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है उनकी जो स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती है यहाँ पर वो बताती है कि उनको पहचान कर उनका स्मरण रखने योग्य जो विभिन्नता जो है वो मुझे कम ही मिलती है इस तरह से यहां पर कहती है फिर कुछ समतल मुख और ये खी सांचे में से जान पड़ते हैं और उनकी एक रस्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई क्या है सिकड़न जैसी नाक की घटन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता कुछ तिरची अधखुली और विरल भूरी बरोनियों वाली आंखों की तरह रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाई गई है महादेवी वर्मा कहती हैं कि यहाँ पर जो चाइना के जो लोग होते हैं उनको देखने से ऐसे लगता है कि उनका जो मुख है सभी का एक ही प्रकार होता है छोटी सी नाक उनका पहनावा इनमें अंतर करना और उनको याद रखना थोड़ा सा कठिन ही है और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि ऐसे लगता है कि ये खी नोकिली जो क्या है तेज धार वाली जो छुरी होती है उससे इन लोगों को काट कर बनाया गया हो ऐसा क्या है ऐसे चीनी जो लोग होते हैं चीन चाइना के जो लोग होते हैं ऐसे नजर आते हैं इनमें भिन्नता करना यानी हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न देखना थोड़ा सा कठिन ही है क्योंकि उनकी वेशभूषा पहना पहनने का और जो उनका मुख है नाक है जिनकी आंखें जो हैं ये सब एक ही प्रकार की होती है इस तरह से क्या है चीनी वालों के बारे में महादेवी वर्मा लिख रहे इन्हें पाठ के आरंभ में लिखती है फिर पर आज मुखों की एक रूप समृष्टि में मुझे एक मुख अर्ध आंखों के साथ स्मरण आता है कि जिसकी मौन भंगीमा कहती है हम कार्बन की कापिया नहीं है हमारी भी एक कथा है यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षण नहीं तो तुम पढ़कर देखो ना तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा कहती है कि जो एक चीनी का एक जो व्यक्ति था एक आदमी वो स्मरण मुझे आता है एक एक स्मरण उनकी रूप मुझे एक मुख्य अर्ध नीलिमाई आंखें के साथ स्मरण आती है यानी यहां पर बताते हैं कि वो चीनी का एक व्यक्ति जो इनसे भेंट किया था तो उसकी याद आती है जैसे कि वो कहे कह रहा हो कि हम कार्बन की कापियां नहीं हैं, हमारी भी एक कहानी है एक कथा हमारी भी है इस तरह से एक चीनी फेरी वाला जो कहे गली गली घूमते हुए अपने कपड़ों को बिकाने वाला एक चीनी फेरी वाला की मुझे याद आई और मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है कि वो बता रहा हो कि मैं क्या है हम कॉर्बन की कॉपियाँ नहीं है हमारी भी एक कथा है यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरीक्षण नहीं तो तुम पढ़कर देखो इस तरह से क्या है महादेव वर्मा चीनियों के बारे में बताते हुए क्या है उसकी याद को यहाँ पर बताती है किस तरह से वो इनसे भेंट करता है और किस प्रकार उसने अपनी कथा को सुनाई कई वर्षों की कई वर्षों पहले की बात मैं तांगे से उतर कर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़ों कपड़े का गटरा बाएं खंडे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल रहा था संभवतः मेरे घर को इन्हीं बंद पाकर वो लौटा जा रहा था कुछ लोग मेम साहब दुर्भाग्य का मारा चीनी उसे क्या पता कि यह संबोधन मेरे मन में कहे रोष की सबसे तुंग तुरंग उठा देता है तो यहाँ पर कई वर्ष पहले चीनी फेरी वाला जो एक गडरी कपड़ों का एक गडरी जो है उठाकर क्या है है हाथ हाथ में हाथ में एक एक जो है, पहले तो भूरे कपड़े का बाएं उठा के सहारे पीठ पर लटकाए हुए था और जो है दहने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ वो क्या है वहां पर आया हुआ था और वो बताती है कि मेरा जो घर है उसे बंद पाकर वो फिर वहां से घर बन पाकर वो लौटा जा रहा था फिर कुछ लेगा मेमसा दुर्भाग्य का मारा चीनी उसे क्या पता कि ये संबोधन मेरे मन में रोश की सबसे तुंग तुरंग उठा देता है तो यहाँ पर जब तभी महादेवी वर्मा अपने घर के भीतर यानी अपने घर के पास चली आई महादेवी वर्मा को देखते हुए ये कहता है कि कुछ लोगी मेमसा तो यहाँ पर क्या है महादेव वर्मा को विदेशी खरीदना पसंद नहीं था वो विदेशी खरीदना नहीं चाहती थी इसीलिए कुछ नहीं लेने के लिए मना कर देती है मैंने अवग्नि से उत्तर दिया मैं विदेशी फेरन फारने नहीं खरीदती तो वो क्या आवेग से महादेवी वर्मा क्या है उस चीनी फेरी वाले को बताती है कि मैं विदेशी फैरने नहीं खरीदती जो विदेशी चीजें हैं उसे मैं खरीदती नहीं हम फैरन हैं, हम तो चाइना से आता है कहने वाले के कंट में सरल विस्मय के साथ अपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई उसी वक्त तो वो चीनी फेरी वाला जो है वो बताता है कि हम चाइना से आए हम चाइना से आते हैं कहने कहने वाले वाले के के कंठ में में जो जो है उसके कहने वाले की जो स्वर में एक सरल विस्मय साथ अपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी तो एक बार क्या है उसे देखने की इच्छा जो है महादेवी वर्मा को होती है फिर मेरी अपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची ये सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भैया बोला है तप जरूर लेगा हा होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई विवश कहना पड़ा देखो तुम्हारे पास क्या है चीनी बरमादे में कपड़े का गटरा उतारता हुआ कहा चला बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर चाइना सिल्क क्रेप बहुत कहने सुनने के उपरांत दो में स्पोश खरीदना आवश्यक हो गया सोचा चलो छुट्टी हुई इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इस ओर आने की भूल ना करेगा तो यहाँ पर जब वो विदेशी नहीं खरीदती इस बात को कहकर उसे लौटा रही थी लेकिन क्या है उसके कंट में कुछ एक उसके कंट में एक अपेक्षा कृत ऐसा स्वर था कि महादेवी वर्मा उसे देखने के लिए इच्छुक हो जाती है फिर वो क्या है यहाँ पर क्या है ये सोचती है कि उसके तिरस्कार से उसके मन को ठेस लगी हो इसीलिए वो कुछ कोमलता से कुछ खरीदना नहीं चाहती इसे वो कहती है तब वो मैं कुछ खरीदना नहीं चाहती भैया इस तरह से जब वो कहती है तो चीनी पहली यानी चीनी फेरी वाला क्या है इस बात को सुनकर वो कहता है कि भैया कहाँ है तो आपको कुछ खरीदना ही होगा फिर यहाँ पर इस तरह से कहते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया जब महादेव वर्मा कही चीनी भी विचित्र निकला हमको भैया बोला है तब जरूर लेगा वो कहता है कि हमको भैया बोला है तो क्या है तुम जरूर लेगा फिर चीनी अपनी गड्डी को उतारकर वर्मादे बर्मादे में चाइना सिल्क और क्रेप ऐसी सारी चीजें उनको दिखाने लगता है बहुत सारा बताने के बाद महादेवी वर्मा दो मेज पोश खरीद लेती है और सोचती है कि इतनी कम बिक्री लेने के बाद इतना कम उससे जो व्यापार है करने के बाद क्या है वो कभी फिर नहीं आएगा इस तरह से वो सोचने लगती है पर कोई पंद्रह दिन के बाद दिन बाद वो बर्मादे में अपनी गड्डी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर ना देकर विस्त भाव से कहा अब तो मैं कुछ ना लूंगी समझे चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा में बोला सिस्टर का वास्ते है कि हैंकी लाता है बहुत व्यस्त सब सेल हो गया हम इसको पाकेट में छिपा के लाते हैं तो यहाँ पर फिर एक पंद्रह दिन के बाद जो चीनी है फिर क्या है महादेव वर्मा के घर के घर को आ जाता है और बर्मादे में अपना गटरा खोलते हुए क्या है अपने गज को नीचे रखा रखता है तो महादेवी वर्मा उसे देखते ही क्या है कुछ ना लेने की बात करती है लेकिन क्या है चीनी जो है बहुत ही खुशी से अपने जेब से हैंकी निकाल कर कहता है कि सब कुछ बिक गया हम सिस्तर के वास्ते सिस्तर का वास्ते जो है ये लेकर आया है इस तरह से वो बहुत ज्यादा ही प्रफुल्लित मुद्रा में बोला तो क्या है? इसको मैंने जेब में छिपा कर लेकर आया है। इस तरह से महादेवी वर्मा से चीनी फेरी वाला कहता मन में सोचा अच्छा भाई मिला मन में महादेव वर्मा सोचने लगती है कि अच्छा भाई मिला बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिड़ाया करते थे बचपन में जो है महादेव वर्मा को सभी चीनी कहकर चिड़ाया करते थे तो क्या है संदेह होने लगा इस चिड़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा इस में कोई तत्व भी रहा होगा इसलिए अत्यंत आज ये सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों यानी छेड़ने आता बहन का संबंध क्यों छोड़ने आता पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया बचपन में कहे महादेवी वर्मा को सभी कहे चीनी कहकर पुकारा करते थे तो यही एक तत्व था कि आज एक चीनी फेर फेरी वाला जो है इसका इन्हीं सच में एक ऐसा तत्व था कि चीनी फेरी वाला इनसे आकर मिला और इनको अपनी सिस्टर मारने लगा यानी इनको अपनी बहन मानने लगा इस तरह से महादेव वर्मा यहाँ पर कहती है फिर उस दिन से जो चीनी फेरी वाला है जब तब इनके घर आया करता था जब उसके जब उसके माता पिता ने मडाले आकर चाय की छोटी दुकान खोली तब उसका जन्म नहीं हुआ था उसे जन्म देकर और सात वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी यहाँ पर चीनी में जब इसके माता पिता एक चाय का दुकान जो है खोला था मडाले आकर उस वक्त इसका जन्म नहीं हुआ था इसके जन्म के बाद सात वर्ष की इसकी बहन के सहारे इसे छोड़कर इसकी माँ जो है चल बसी थी फिर जो है इसकी बहन के साथ ही इसका भी लालन पोषण हुआ इसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया माँ विमाता आने के बाद बहुत सारी यातना जो है इसकी बहन को सहनी पड़ी फिर इसके पिता का भी देहांत हो जाता है इसके पिता के देहांत के बाद माँ जो है इसकी बहन को वेशावृत्ति में डाल देती है एक दिन बहन जो है पहले कुछ वस्तुएं ये क्या दो दिन इसे लाकर देती है खाने की वस्तुएं खेलने की वस्तुएं और चीनी फेरी वाला उसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और एक दिन जब इसकी बहन बाहर गई और गई तो लौटी ही नहीं फिर वहां से वो लौटी ही नहीं सवेरे विमाता को कुछ चिंतित भाव से उसे खोजते देखा बालक सहसा किसी अज्ञात सिहर उठा बहन उसकी एकमात्र आधार बहन पिता का यानी पता ना पा सका और अब बहन भी खो गई वो जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा फिर पिता जब इसके मर गए थे उनको भी खोजते हुए ये सभी से उनका पता पूछता था तो सभी लोग उसे क्या है आ, क्या है कुछ तो लोग हंसते थे और इसकी दशा पर कुछ लोगों को दया भी आ जाती अब जब इसकी बहन भी जो है कहीं गायब हो गई फिर घर लौटी ही नहीं उस वक्त ये क्या है फिर भयभीत हो गया फिर गली गली इसको खोजने के लिए निकल पड़ा वेशावृत्ति में जाने वाली लड़कियों का क्या होगा ये किसी को नहीं पता कोई विदेश को इसे इन ऐसे लड़कियों को भेज दे दे है और कभी वो आत्महत्या अपनी दशा को देख कर कर लेती है फिर से कह इसकी बहन का पता इसे नहीं मिला तो इसके बहन की खोज में यह मारा मारा फिरने लगा गली गली बहन को खोजने लगा फिर जैसे ये अपनी बहन की खोज में निकलता है तो एक को ग्रह का जो ग्राह जिसमें चोर और ऐसे व्यक्ति थे क्रूरी व्यक्ति ऐसे ये ग्राह में ये क्या है वो लोग इसको अगवा कर लेते हैं और इसको जो है कुत्ते के पिल्ले के समान ही जो है वो कुत्ते के पिल्ले के समान ही इसे रखते हैं वहाँ पर इस पर नाना प्रकार के जुल्म होते हैं अगर ग्राहक यानी गिरकटों का कोई माल जो है चोरी हो जाता तो ये क्या है थर थर कापने लगता बिना चोरी करते हुए भी तो सब लोग उस पर संदेह करके उसे मारते पीटते इस तरह से वहां पर इसे बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा और कुत्ते के पिल्ले के समानी वो घुटने के बल खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता फिर वो वहां पर क्या है इसको ये सारा अभ्यास कुत्ते के पिल्ले की तरह घुटनों पर खड़ा होकर हंसने रोने का अभ्यास उसे वहां पर करना पड़ा हंसी का स्रोत इस प्रकार सुख चुका था कि अभिनय में भी वो बार बार भूल करता और मार खाता पर क्रुदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ रहा था तो जो क्या है वो जो अभिनय है उसे करने में भी इसे बहुत ज्यादा ही ये क्या है भूल जाता तो इस पर बहुत ज्यादा वे लोग क्या है अत्याचार करते और ना गलती करने के बावजूद भी कुत्ते के पिल्ले के साथ इसको उसी को खाना भी खाना पड़ता इस तरह से उसकी दशा जो है एक दयानिधि हो गई थी एक करुणाजनक हो गई थी वो बहुत ज्यादा कष्ट वहां पर झेलने लगा यदि देशांतर संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का यानी श्री गणेश होते ही उसकी भेन पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से ना हो जाती तो इस साधना से प्राप्त विद्युता का क्या अंत होता ये बताना कठिन है पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा तो यहां पर क्या है के जो ये गिराह में जब फस गया वहां पर बहुत सारा इस पर क्या है जुल्म हुआ ये सहता रहे सहता रहा तो इसके बाद एक दिन इनके पिता के एक मित्र से इसकी भेंट होती है इसके बाद वो नरक के जीवन से ये बाहर निकलकर इनके पिता के मित्र के साथ जो है व्यापार को वो सीखता है फिर पर वो क्या है उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा तो वहां से आने के बाद संयोग से इनके पिता का मित्र जो मिला था उसके संयोग से मिलने के बाद वो नर्क से आता हुआ ये जो है दुकान पर व्यापार की विद्या सीखने लगता है कुछ अधिक समझदार होने पर उससे उसने अपनी अभागिनी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया पर उसका पता ना पा सका ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं कभी कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। उस रहस्य की सूत्र धरिणी विमाता भी संभवतः पुनर्विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई थी इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद हो गया फिर जो है चीनी फेरी वाला जब कुछ बड़ा हो गया उसे जब समझ आ गया तो अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा लेकिन उसकी बहन की खोज जो है वो बेकार निकली इसकी बहन इसे नहीं मिली क्योंकि ऐसी पेशावृत्ति में रहने वाली लड़कियों का है अंजाम बहुत बुरा होता है कोई विदेशी उसे खरीद कर ले जाता है या तो कोई शराबी नशे में धुत उसको क्या है उसके साथ क्या है उसकी हत्या भी कर सकता है या तो अपनी ही दशा पर पछताते हुए ऐसी लड़कियां आत्महत्या कर लेती है और इसकी विमाता क्या है, दूसरा विवाह करके किसी और के जीवन को सुखी बनाने के लिए चली गई इस तरह से क्या है ये जो मार्ग था इसे ढूंढने का अपनी बहन का ये सारा इसका बंद हो गया इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया फिर दो वर्ष कलकत्ते में रहा और तब अन्य साथियों के साथ उसे इस और आने का आदेश मिला यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे आठ से बारह और दो से छ बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है इसके बाद जो है ये व्यापार सीखकर विभिन्न शहरों में बेचने लगा तो ये क्या है मालिक के काम से चीनी क्या है रंगून आया फिर दो वर्ष कलकत्ते में रहा और तब अन्य साथियों के साथ उसे इस और यानी इस और आने का आदेश मिला था तो इस और वो क्या है जो फेरी का काम है वो कर रहा था और चीनी जो है जूते वाले के घर ठहरा है और सवेरे आठ से बारह और दो से छ बजे तक फेरी जो है तक फेरी जो है लगाकर कपड़े बेचता रहता है इस तरह से वो यहाँ पर कपड़े बेचने के लिए आया इस तरह महादेवी वर्मा को अपनी कथा सुनाता है महादेवी वर्मा कहती है कि चीनी फेरी वाले के दो धै थे जीने के लिए एक ईमानदारी दूसरी बहन की खोज ईमानदारी तो उसके वश में थी लेकिन बहन की खोज बहुत ही क्या है कठिन फिर अंत तक उसकी बहन जो है वो खोजता ही, ही रहा एक दिन चीनी फेरी वाला जब महादेवी वर्मा के यहाँ आया था उस वक्त ये पता चला कि वो फिर चीनी जा रहा है क्योंकि युद्ध के लिए चाइना से उसे बुलावा आया है तो इस वक्त महादेवी वर्मा बहुत ही आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखती है और, और चीनी फेरी वाले को बताती है कि वहां तो तुम्हारा कोई नहीं फिर युद्ध के लिए तुम्हें किसने बुलाया है तो यहां पर जो चीनी फेरी वाला है जब महादेवी वर्मा उससे प्रश्न करती है कि चाइना में तो तुम्हारा कोई भी नहीं है फिर युद्ध के लिए तुम्हें किसने बुलाया उस वक्त चीनी फेरी वाली की आंखें जो है हमारा चाइना नहीं है हम कब ऐसा बोला सिस्टर यहां पर चीनी फेरे वाला की आंखें जो है आश्चर्यचकित पूरी खुल गई और वो कहने लगा हम कब बोला सिस्टर चाइना हमारा नहीं है इस तरह से जब वो क्या है महादेवी वर्मा को बोलता है तो महादेवी वर्मा उसकी और देखने लगती है आश्चर्यचकित होकर जिस चाइना में उसने बहुत सारी यातनाएं सही बहुत सारे जुल्म सहे और उसी चाइना के प्रति इतना प्रेम देखकर महादेवी वर्मा के मन में जो है एक क्या है उसके प्रति एक क्या है सद्भावना उत्पन्न होती है है और क्या है उसके जो मन में देश के प्रति अपने देश के प्रति जो प्रेम था उसको वो देखने लगती है यहां पर देखिए जो उसके लिए इतना कठिन यापन और क्या है निराश्रत जीवन क्या है वहां पर मिला फिर भी उसे अपने देश का प्रेम जो है उसके मन में पूरी तरह से भरा हुआ था तो महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि हम में भी हमारे देश के लिए जो इस देश के क्या है? नागरिक हैं उनके मन भी मन में भी जो इस देश के नागरिक हैं उनके मन में भी इस तरह का देश प्रेम जो सचमुच हमारे लिए भी होना चाहिए उनके मन में भी क्या है देश प्रेम जो है इस तरह से ही होना चाहिए सचमुच चीनी पेरी वाले के जो मन में देश प्रेम है वो देश प्रेम जो है क्या है बहुत ही काबिले तारीफ है उसके प्रति जो है एक आदर्श की भावना महादेवी वर्मा रखते हुए क्या है ये सोचती है कि हमारे देश के प्रति भी हम सबके मन में इसी तरह का प्रेम होना चाहिए तो चीनी फेरी वाला जब अपने देश को लौटने की बात करता है और वो बहुत ही ईमानदार था अपने मालिक को जो है अपने मालिक के जो कपड़े थे उसने पूरी तरीके से बेचे नहीं थे और भी बहुत सारे कपड़े उसकी गडरी में थे तो क्या है वो बेचकर ईमानदारी के साथ उसके पैसे अपने मालिक को लौटाकर अपने देश को जाना चाहता था लेकिन समय इतना नहीं था तब महादेवी वर्मा क्या करती है यहाँ पर जिस उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे फिर भी यहाँ वहाँ से खोज कर कुछ पैसे निकालती है और दूसरों के पास भी कुछ कर्ज पैसे लेकर उसकी थाने जो है खरीद लेती है और चीनी फेरी वाले को पैसे दे देती है चीनी फेरी वाला वहाँ से विदा लेकर जाने लगता है जब वो विदा लेकर बाहर जा रहा था महादेवी वर्मा उसे पुकारती है और वर्मा जी उसे अपना गज जो है ले जाने के लिए कहती है तब चीनी फेरी वाला सिस्तर का वास्ता इस तरह से कहते हुए वहाँ से चला जाता है महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि आज भी उसके घर में एक दीवार के सहारे वो गज लगाकर वहीं पर खड़ा किया गया है और जो उससे लिए हुए थान जो है ग्रामीण बालकों के लिए बहुत सारे कुर्ते सिलवाए आज भी तीन थान जो है उसकी अलमारी में है यानी महादेवी वर्मा के अलमारी में रखे हुए थानों को देखकर एक खादी बहन ने आक्षेप किया था कि जो खादी वस्त्र पर ही क्या है ज्यादा खादी वस्त्र जो धारण करती है ऐसे बहन के यहाँ क्या है सिल्क के थान इस तरह से उन्होंने महादेवी वर्मा के बारे में आक्षेप किया महादेवी वर्मा वर्मा जो है वो अपने मन में ही ये सोचकर मुस्कुराने लगी तो यहाँ पर जो चीनी फेरी वाला जो सिस्तर का वास्ता जो भी नई वस्तु आती वो लेकर आ जाता ये ऐसा ही एक भाई का एक भाई और बहन के प्रति जो प्रेम था ये है इस प्रेम के बारे में सोचते हुए क्या है वो हंसने लगती है तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है चीनी फेरी वाला अपने जीवन में किस तरह से यातना को सहा किस तरह से उसे अनदेखी माँ पर प्रेम था अपनी बहन से प्रेम था जो अंत तक उसे मिल नहीं पा रही थी लेकिन उसके क्या है जीवन का धय था कि वो अपनी बहन को जो है अपने बहन को फिर से ढूंढ ले लेकिन अभी तक उसकी बहन नहीं मिली थी और उसके मन में अपने देश के प्रति जो प्रेम था ये सारी बातें जो है इस पाठ में क्या है लिखती है ऐसा ही देश प्रेम हम भारतवासियों में भी होना चाहिए इस तरह से भी उसके मन में क्या है इस तरह से भी उसके मन में भावना आती है तो पाठ इतना ही था अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद